हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर कभी आपका अरेस्ट हो जाता है किसी भी कारणों से, तो उसके बाद आपके क्या अधिकार होते हैं। तो कुछ राइट आपको मिले हुए हैं और बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन भी है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके साथ कुछ उस राइट के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो पुलिस को ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि क्यों आपको वो पुलिस अरेस्ट कर रही है, आपके ऊपर क्या चार्ज लगे हैं, और पूरा उसको पुलिस को जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा उन चीज़ों का कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर क्या चार्ज लगे हैं। ये सब बिना किए पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो आपका ये पूरा हक है कि ये आपको पता होना चाहिए कि पुलिस आपको किस चार्ज पे और किन कारणों के कारण आपको अरेस्ट कर रही है। और दूसरी बात है कि अगर आपको जब पुलिस अरेस्ट करती है तो कोई भी पुलिस आपको हैंडकफिंग नहीं कर सकती है। वो हैंडकफिंग यानी हथकड़ी आपके ऊपर तब तक नहीं लगा सकती है जब तक कि आपके ऊपर कोई भी नॉन वोलेबल ऑफेंस ना हो, जैसे कि मर्डर, रेप, ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिल सकती है। अगर वो ऑफेंस आपकी हैं तभी आपके ऊपर हथकड़ी पुलिस लगा सकती है। इसके पहले पुलिस को आपके ऊपर हथकड़ी लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 में ये बात को कहा है कि कोई भी पुलिस किसी भी अक्यूज्ड को हथकड़ी नहीं लगा सकती है जब तक कि कोई उसके द्वारा नॉन वोलेबल ऑफेंस ना किया हो। साथ ही बहुत सारे गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद बहुत सारे गाइडलाइंस को निकाला था। जो भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है उसका नाम और डेसिग्नेशन उसके यूनिफॉर्म पे क्लियर रहना चाहिए, तभी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपसे इंट्रोगेशन कर रही है तो आपको अपने लॉयर से भी मिलने का पूरा अधिकार होता है, आप अपने लॉयर से मिल सकते हैं। उसके बाद आपको अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो मेमो ऑफ अरेस्ट आपको देगी, इसमें ये सारे डिटेल लिखे रहते हैं। जो पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट कर रहे हैं उसका सारा डिटेल, डेसिग्नेशन, नेम, ये सब सारे उस मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखा रहता है। साथ ही आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, किस समय आपको अरेस्ट किया गया, क्या रीज़न है अरेस्ट करने का, और टाइम वगैरह सब कुछ आपके भी पूरे डिटेल उसमें मेमो ऑफ अरेस्ट में लिखना चाहिए और लिखा जाता है ये सब। उसके बाद एक थर्ड पर्सन से इसका काउंटर साइन कराया जाता है एज ए विटनेस। वो विटनेस कोई भी आपका रिलेटिव या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। आपके अरेस्ट के 12 घंटे के अंदर ये पुलिस की ड्यूटी है कि आपके घर में वो इन्फॉर्म करें कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आप कहाँ पे हैं, क्या आपके ऊपर चार्ज लगे हैं। या तो आपकी वो किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करेगा या तो किसी रिलेटिव या फ्रेंड को, उसको इन्फॉर्म करना पुलिस की ये ड्यूटी होती है। आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास पुलिस को ले जाना पड़ता है, और मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको उसमें बेल दे सकती है। अगर आपको बेल नहीं भी मिलती है तो ये ऐसा कानून में कहा गया है कि आपको 90 दिन से ज़्यादा कोई भी मजिस्ट्रेट आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता है। और पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि आपका वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, और इस एग्जामिनेशन के बाद आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा जिसमें सब कुछ डिटेल लिखा रहेगा, आपके आप कोई बीमारी है या कुछ भी, आपको चोट आई है, उसका सारा डिटेल उस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा रहेगा। और यह रिपोर्ट हर 48 आवर्स पे उनकी ड्यूटी है कि वो चेक करके उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बनाएं। डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि पहले आपको जो भी चोट आई हो या ना भी आई हो तो पता चल सके कि पहले आपकी पुलिस कस्टडी में जाने से पहले आपकी क्या कंडीशन थी, और जो भी बीमारी इसमें पता भी चल सकता है, और वो उसके थ्रू आपको बेल मिलने में भी मदद मिल सकती है। उसके बाद जैसे आप पुलिस कस्टडी में आए हैं तो उसके बाद अगर आपको कोई इनकेस इंजुरी होती है जो भी हो सकता है तो उसका सारा डिटेल उसके बाद भी आपको उस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो इन रिपोर्ट का पहले भी एक बनाया जाता है और उसके बाद जो कस्टडी के में आने के बाद भी रिपोर्ट बनते हैं, और ये रिपोर्ट हर 48 आवर्स पे बनते रहते हैं, उसके डिटेल उसमें लिखे रहते हैं।
अब मैं वुमन के क्या अधिकार हैं अरेस्ट होने पे, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो कोई भी वुमन को सनराइज होने के पहले और सनसेट होने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर इन केस में उनको गिरफ्तार करना जरूरी अगर है तो कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके उनसे ऑर्डर लेके और कोई भी महिला पुलिस ही उन दूसरी महिला को अरेस्ट कर सकती है। अब मैं बताने वाली हूँ कि 18 साल के जो भी कम एज के बच्चे हैं उन्हें अगर गिरफ्तार करना है तो उसके साथ फोर्सफुली पुलिस नहीं कर सकती है। बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस गाइडलाइंस का पालन करके उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली ये सब ना करते हुए ही उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये सब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस दी उन सब को फॉलो करके ही वो गिरफ्तार किया जाता है 18 वर्ष के कम एज के लोगों का। तो ये गिरफ्तार होने के ऊपर अधिकार, उसके बाद जो भी अगर आप जिस भी कारण से गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तार होना मतलब ये नहीं है कि आपने अक्यूज्ड हैं और आपके ऊपर आरोप तय हो गया है। आरोप तय करने का काम कोर्ट करेगी, आपका ट्रायल चलेगा, आप उसमें आपके मुकदमा चलेंगे, उसके बाद कोर्ट सारे मामलों को देखते हुए, रिपोर्ट को देखते हुए, FIR को देखते हुए, विटनेस को देखते हुए और एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ये निर्णय करेगी कि आप एक्यूज्ड हैं या नहीं है। सारा निर्णय कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। था मेरा वीडियो आपके अरेस्ट होने पे राइट को लेके। बहुत ही यूजफुल आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी, बहुत सारे आपको पता होंगे, बहुत सारे आपको नहीं भी पता होंगे, तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये सब पता चल गया होगा आपके क्या राइट्स हैं। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा तो आप उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें लॉ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।